लेटर में ये दर्शाया गया, लेटर में सलमान साहब लेटर में दर्शाया गया है कि हिंदू कीड़े मकोड़े नहीं है, वो शेर हैं। किसने कहा हिंदू? इधर हिंदू कीड़े मकोड़े मानते ना, ये है पंडित क्षिति द्विवेदी, ये मेरा भाई है, एक ही थाली में खाते हैं, एक गिलास में पानी पीता हूँ। हमारी कथनी मैं फख्र से कहता हूँ, मुगलों ने हिंदू समाज की महिला को मल्लिका हिंदुस्तान बनाया, टोडा मल को अपने नवरत्नों में रखा, तानसेन को रखा, राजा मानसिंह कौन थे भाई? हमको पुलिस पर भरोसा है, हमको सरकार पर भरोसा है, इनको भरोसा नहीं है तभी तो ये जुबान काटने की बात कर रहे हैं। इस देश से प्यार ही नहीं करते हैं ये, पाकिस्तान से जुबान काटने की बात असंवैधानिक है। मैं मांग करता हूँ योगी आदित्यनाथ से, अपनी जुबान पर अगर वो अटल है कि गुंडा राज खत्म हो गया है, तो इनको 26 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए, वरना आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे आप। रही बात जुबान काटने की, तो जैसा मैंने कहा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग से चलता है कि किसी की धमकी से चलता है? अब मैं देखना चाहता हूं कि ये हुकूमत जो बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना ने कई बार बनाई है, ये शिवसेना और बीजेपी एक है, बी टीम है। उद्धव ठाकरे जी अपने ही सिंबल के लिए लड़ रहे, पहले घर की वो बराबर कर लो जा करके। हमने क्या शिवसेना दगा हुआ कारतूस, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हमारा सारा नाम लेके जीत गया साला है, तो शिवसेना है। वो जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं कन्याकुमारी से, बिना दुल्हन की बारात निकाल रहा, बैंड तो उनका बजा नहीं, बस बारात निकालते जा रहे हैं, शादी तो करे नहीं अभी। वो बताए कैसे जोड़ोगे भारत, भारत कैसे जोड़ना है? वो हमारी जबान काट के भारत जोड़ सकता है कोई? बताइए। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। इस वक्त मैं कानपुर में मौजूद हूं और कानपुर में ये लोग मौजूद हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है उससे सियासत कर रहे हैं और नगर निकाय नगर निगम के चुनाव में मैदान में हैं। लेकिन इस वक्त रात में हमें इनको क्यों खड़ा करना पड़ा, क्यों, आखिर क्या वजह है जो इनसे हम सवाल पूछने के लिए मौजूद हैं, हम आपको बता दें कारण क्या है। एक घंटा पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली ने एक फेसबुक पर पोस्ट की, सेना प्रदेश कार्यालय की तरफ से जारी हुआ है और उसमें लिखा है AIMIM के पार्टी यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की जुबान काट देंगे, इस तरीके से लिखा है। बाकी उसके अंदर लिखा हुआ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली हैं, सभा को संबोधित करते हुए हिंदुओं पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए साधु संतों का अपमान कर सीमाएं लांघ ली है, मतलब नांग ली है, इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है और जुबान काटने की बात कही गई है। और उसके साथ साथ में के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ये भी लिखा है और उन्होंने एक पोस्ट और किया है कि उनको व्हाट्सएप पर धमकियां मिलने लगी है, बेटा औकात में रहो, काहे फफड़ा रहे हो, तुम्हारे बाप ने राज कब भारत पर किया है। इस तरीके से लोग अब शौकत अली को पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करने लगे हैं, तो उसी का जवाब देने के लिए हमारे साथ सलमान और नूर आलम मौजूद हैं। आपने पूरा लेटर तो पढ़ लिया होगा, PFI से जोड़ा गया और उसके बाद जवान काटने की बात कही गई और व्हाट्सएप पर गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को। हाँ। गालियां तो परवरिश की निशानी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो सिखाया गया वही सीखेंगे आप। रही बात जुबान काटने की, तो जैसा मैंने कहा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आप बड़े लोग हैं, आपके संगठन मजबूत लोग हैं, जबान के हमारे सर भी काट दें और कट जाते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मगर वो लोग जो आज उंगली उठा रहे थे हमको बुरा कह रहे थे, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे बाप ने राज किया कि नहीं किया या क्या किया, लेकिन पूरी जिंदगी गुजर गई बाल ठाकरे की, शिवसेना की गवर्नमेंट या मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बना नहीं है, और बना जब मुसलमान विधायकों का सपोर्ट लिया, कांग्रेस और सपा और दीगर जो पार्टियां थी उनके मुसलमान विधायक भी थे जो मुसलमानों के वोट से बने थे। तुम्हारे बाप को तो हमने राज करा दिया, इतना तो साबित हो गया, हमारे बाप ने करा, तुम मानो चाहे ना मानो। वो तो कह रहे हैं कि 7 दिन में गिरफ्तारी नहीं होगी तो अब शिवसेना जो है सड़कों पर आएगी। हाँ, तो क्या ताला लगा दे अदालत को, पुलिस क्या करेगी, ना है ले पुलिस, ये अगर गिरफ्तारी करवाएंगे 7 दिन में 8 दिन में, कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग से चलता है कि किसी की धमकी से चलता है। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये हुकूमत जो बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना ने कई बार बनाई है, ये शिवसेना और बीजेपी एक है, बी टीम है, अब ये पकड़ते हैं शिवसेना वालों को कि नहीं पकड़ते, जुबान काट लेंगे सीधे सीधे, ये लिखा गया है कि जुबान काट लेंगे शौकत अली का। कानपुर के लोग क्या सोचते हैं इस पूरे बयान को, इस ये पूरे अली ने पोस्ट किया है फेसबुक पर? देखिए, शिवसेना दगा हुआ कारतूस है, अभी आपने एक बात कही शिवसेना रोड पे आएगी, जो लेटर में लिखा उन्होंने कि शिवसेना रोड पे आएगी, आएगी नहीं, शिवसेना ऑलरेडी रोड पे आ चुकी है,
उनका अपना कोई वजूद बचा नहीं है, रोड पे है उनका वजूद बचा, क्योंकि उनके सीने पे सांप एमआईएम के नाम पे इसलिए लौटते हैं क्योंकि औरंगाबाद ने 35 साल के सांसद को इम्तियाज जलील साहब ने हराया है। तो जब उनकी छाती पर चढ़े तो उनकी दर्द बयां करने लगे कि जुबान काटने के लिए आदमी को कद के बराबर आना चाहिए। अभी तो उनको जूते की नोक पर रख के जुबान काटने के लिए बराबर तो आओ पहले मेरे, जब बराबर आओगे जब जुबान की बात करो। आज शौकत अली का जुबान काटने की बात कह दी गई, मुंह है जुबान तो जुबान आरती नहीं है। अब वो शौकत अली साहब की जुबान काटने की बात कर रहे हैं, कल गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, ये उनकी संस्कृति है, ये उनको दिखा रही है। और हम एमआईएम पार्टी के लोग, संविधानिक पार्टी हमारी, हम संविधान के दायरे में चलते हैं, कोर्ट अपना काम करेगी, कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। हम क्यों धमकी देंगे हम तुम्हारी जो है जुबान काट लेंगे। शिवसेना यही करती चली आई है, बानवे के दंगे में मुसलमानों का नरसंहार किया, बाला साहब ठाकरे ने बाबरी मस्जिद को जब शहीद कराने का उसका श्रेय खुद लिया कि हमने कराई, उसमें कितने हिंदू भाई कितने मुस्लिम भाई, मरा कोई भी हो, मरा भारत की आवाम है, भारत की आवाम मरी उनके चक्कर में, उन्होंने राइट करवाया। और आज फिर जुबान काटने की बात कर रहे हैं, तो ये तो चैलेंज फिर हम कह रहे हैं ये चैलेंज उन्होंने कोर्ट को किया है, ये चैलेंज उन्होंने योगी आदित्यनाथ को करा है। अब इसका रिजेक्शन योगी जी क्या लेते हैं ये देखा जाएगा, क्योंकि योगी जी कहते हैं ना कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, बिल्डोजर खड़ा है, तो अब शिवसेना के प्रदेश कार्यालय पे कब बिल्डोजर चलेगा इसको देखने के लिए हम लोगों की आंखें तरसेंगी। नहीं, अगर जुबान काटने की बात कही जा रही है और वहां पर ये भी दर्शाया गया लिखा गया है कि बाला साहब ठाकरे के मानने वाले जो कह देते हैं उसी पर अटल रहते हैं और जुबान काटने की बात कह दी गई है। सही, बहुत सही बात कही, बाला साहब ठाकरे जो कह देते उनके मानने वाले अटल रहते हैं, जब भी उनकी पार्टी के दो फाड़ हो गए। आज उन्हीं का बेटा उद्धव ठाकरे अपने सिंबल के लिए लड़ रहा है, उद्धव ठाकरे जी अपने ही सिंबल के लिए लड़ रहे हैं, पहले घर की वो बराबर कर लो जाकर के। हमने क्या शिवसेना दगा हुआ कारतूस, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। देखिए हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी बच्चे दो आपस में खेल रहे थे यही रोड पे, कहने लगे अब की बार मान जाओ वरना हम पूरा तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दें घर बार एक तरफ से, 8-8 साल के बच्चे। तो बच्चा क्या कर लेगा, क्या कह रहा है उस पर थोड़ी ले जाते हैं, काट लेंगे जुबान, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। पहले एक काम करो, एकनाथ शिंदे को जाके समझो, 45 विधायक लेके भाग गया, सरकार गिरा दी है टाइगर की वहां पे। तो बच्चों की बात करना बुरा मानते हैं, आ रहा चुनाव सब कुछ चला गया सिंबल तक बचा नहीं, और हमारे नाम में इतनी बरकत है कि अब उनको हमारे नाम का सारा लेना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप हमारा सारा नाम लेके जीत गया साला है, तो शिवसेना है तो अब उनको आना हमारे ही दरवाजे। तो एमआईएम के लोग जो है खामोश रहेंगे? खामोश नहीं रहेंगे, संवैधानिक अधिकार हमारे पास है वो इस्तेमाल करेंगे और संविधान के राज को 7 दिन बाद डायरेक्ट उसमें लिखा गया है कि अगर 7 दिन में गिरफ्तारी नहीं होती है शौकत अली की तो सड़कों पर उतरे शिवसेना। 7 दिन में अगर ये बोलने वाले की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम सवाल पूछेंगे योगी आदित्यनाथ से, और सवाल पूछेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जिनकी अलायंस से सरकार बनी थी महाराष्ट्र में। 7 दिन में अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या इनके बयान का आप समर्थन करते हैं? क्या मुसलमान दर्द को बयान करेगा तो जवान काट ली जाएगी? आपका इस पर क्या मौकफ है? वो जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं कन्याकुमारी से, बिना दुल्हन की बारात निकाल रहा, बैंड तो उनका बजा नहीं, बस बारात निकालते जा रहे हैं, शादी तो करे नहीं अभी, वो बताए कैसे जोड़ोगे भारत? भारत कैसे जोड़ रहे हैं वो? हमारी जवान काट के भारत जोड़ सकता है कोई, बताइए। ये वो जवाब दे, गंदी गंदी गालियां, माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। आपने देखा ही होगा शौकत अली ने पोस्ट कर दिया है फेसबुक पर, तो गंदी गंदी गालियां, जो इंसान जिस माहौल में बड़ा होता है जो सुनता है वही कहता है, ये तो परवरिश की निशानी है, मैं उसका कमेंट नहीं करूंगा। पुलिस प्रशासन से पूछेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेंगे, कांग्रेस सपा वालों से भी पूछेंगे कि आप इनके साथ रहे, अब 7 दिन के बाद आप इनके बयान को कंडेम करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे खुल्लम खुल्ला धमकी देने वाले अराजक तत्व मौजूद है लेटर में। ये लेटर में ये दर्शाया गया, लेटर में सलमान साहब, लेटर में दर्शाया गया है कि हिंदू कीड़े मकोड़े नहीं है वो शेर है। किसने कहा हिंदू? इधर हिंदू कीड़े मकोड़े मानते ना, ये है पंडित क्षिति द्विवेदी, ये मेरा भाई है, एक ही थाली में खाते हैं, एक गिलास में पानी पीते हैं, हमारी कथनी करनी फर्क नहीं है। शौकत अली को देखा, शौकत अली के फेसबुक पेज पर हमारे साथ पंडित क्षिति द्विवेदी भी आ गए हैं, जुड़ गए हैं। ये देखिए शिवसेना के तरफ से लेटर जारी किया गया है, पढ़ लिए हैं, पूरा पढ़ लिए, गंदी गंदी गालियां भी हैं। शिवसेना के प्रदेश कार्यालय पर जाकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को चैलेंज करता हूँ, वह फक्र से कहता हूँ मुगलों ने हिंदू समाज की महिला को मल्लिका हिंदुस्तान बनाया, टोडा मल को अपने नवरत्नों में रखा, तानसेन को रखा, राजा मानसिंह कौन थे भाई? ऊपर से उतरे तो रही थे,
राजा मानसिंह भी नवरत्नों में थे। जुबान काटने की बात कही जा रही है, जुबान काटने की बात असंवैधानिक है। मैं मांग करता हूँ योगी आदित्यनाथ से, अपनी जुबान पर अगर वो अटल है कि गुंडा राज खत्म हो गया है तो इनको 26 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए, वरना आंदोलन के लिए तैयार रहे। वो तो 7 दिन में कह रहे हैं करने के लिए, वो 7 दिन में करेंगे, मैं 24 घंटे में आंदोलन कर दूंगा, आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा, किसी के बाप में अगर दम हो तो रोक लेना। जो लेकिन इसके अंदर साफ साफ कहा गया है कि जुबान काटेंगे, और दूसरा देखिए व्हाट्सएप पे इस तरीके से मैसेज किया गया और उसमें लिखा है गंदी गंदी गालियां लिखी है। आजमगढ़ पुलिस से हमारे शौकत साहब ने अनुरोध किया है कि ये साइबर सेल को दें और जिन्होंने गाली लिख के भेजी है, जिन्होंने धमकी दी है, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो पंडित सतीश द्विवेदी इसको किस तरीके से देखते हैं, किस आईने से देख रहे हैं? उन्होंने कीड़े मकोड़े किसको कहा? दिल्ली के अंदर वो जो साधु बोल रहा था कि मुसलमान को काट दो, उनके होटल पर ना जाओ, उनके दफ्तरों पर ना जाओ, उनको व्यापार ना दो, उनको इस देश से भगा दो, उन्होंने वो उस साधु को कीड़े मकौड़े कहा कि वो साधु दिल्ली के अंदर बोलेगा और मुसलमान कट गया, गाजर मूली की तरीके समझ लिया क्या मुसलमान को? इस्लाम के बारे में अगर जिस दिन ये जान जाएंगे तो वो कलमा पढ़ लेंगे। मान लिया जाए जुबान काटने की बात कही गई, अगर जुबान काट लिया गया तो जुबान देखिए ऐसा हम लोग कोई गाजर मूली कद्दू तरोई लौकी भिंडी अदरक नहीं है जो काट लेंगे। अगर वो असंवैधानिक दायरे पे हैं तो हम भी हो सकता है कि आ जाए, लेकिन जाएंगे कभी नहीं असंवैधानिक दायरे पर, संविधान के दायरे के अंदर गंद रह के काम करेंगे। गंदी गंदी गालियां, गंदी गंदी गालियां, हमारा कोर्ट है, बीजेपी ने उनकी राजनीति कर दी बिल्कुल खत्म, वो दिमाग से हो गए पागल। अब उनके पास कोई काम तो बचा नहीं है, अब उनके अंदर इतना दम नहीं है कि वो बीजेपी का कुछ कर सके। अपनी खुन्नस मिटाने के लिए वो उल्टे सीधे पागलपंती के बयान दे रहे हैं, सिस्टम है ये। शिवसेना, शिवसेना उनके पास कोई काम नहीं, वो एकदम निठल्ले हो चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश छोड़िए, उनका जो पैदाइश का जो गढ़ है जहाँ से शिवसेना बनी, जहाँ से शिवसेना ने राज किया, मुंबई, मुंबई के अंदर बीजेपी ने उनकी वो हालत कर दी है जो एक कोठे में तवायब की होती है। पंडित सतीश, जिसमें जो एक और बात दर्शाई गई है, PFI के एजेंट हैं शौकत अली। अभी आपने शायद ये सुना नहीं कि अमेरिका के अंदर जिसको जिताने गए थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उसने लगभग 20 से 25 हिंदू संगठन को बैन कर दिया, कहा कि ये आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन ये बार बार यही कहा जा रहा है कि हम जुबान काटेंगे। तो भाई वो देखिए उनकी इस तरीका है मानने का संविधान को। संविधान हमको अधिकार देता है कि हम कोर्ट पे फैसला लेंगे, हमको पुलिस पर भरोसा है, हमको सरकार पर भरोसा है, इनको भरोसा नहीं है तभी तो ये जुबान काटने की बात कर रहे हैं। इस देश से प्यार ही नहीं करते हैं, ये पाकिस्तान से प्यार करते हैं। तो पंडित सतीश द्विवेदी जो है, ये जो विश्वजीत सिंह हैं प्रदेश अध्यक्ष, इनको अपनी जुबान में क्या कहना चाहेंगे? ये इस देश के आतंकवादी संगठन के लोगों के साथ हैं। तो हमारे साथ कानपुर के लोग मौजूद थे जो बयान दे रहे थे शौकत अली के लिए, जो लेटर जारी किया गया है शिवसेना की तरफ से, उस पर हमारे साथ काफी लोग मौजूद थे जिनसे हमने बात किया और लोगों की राय जो है वो मैंने जानने की कोशिश की। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद जैन।